नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का विषय गणित होगा, जो कि बक्सेट नंबर 30 है और ये 17 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था दूरी सूत्र, आज हम पढ़ेंगे इसमें विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र का सीधा सा आप जो है ना, ये देखिए ये विभाजन सूत्र आया कैसे है। ठीक है, ये विभाजन सूत्र ये बताया गया है इसमें। ठीक है, और तो विभाजन सूत्र हमारा ये पूरा निकल करके आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा विभाजन सूत्र है, इसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, यानी पी एक्स बाई अगर निकालेंगे तो एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, और ये एम वन इंटू बाई टू प्लस एम टू इंटू बाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है विभाजन सूत्र को, आपको याद कर लेना है इस फॉर्मूला को, और ये कैसे आया यही बताया गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना एक एग्जाम्पल है, इसको हम करके बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए पी ज्ञात कीजिए, बिंदु पी ज्ञात कीजिए, ए बी निर्देशांक कितना है और बी इतना है, और रेशियो यानी एम वन इक्वल टू टू है रेशियो, और एम टू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 7 है। तो हमने अभी भी फार्मूला बताया, ये फार्मूला, इस फार्मूले पर हमें क्या करना है, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, तो इसके वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट कर देना है। जब हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा माइनस फोर और सिक्स आ जाएगा हमारा आंसर। राइट, तो आप इसे अच्छे से समझ बना लीजिए, अगर कहीं भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके आप इसमें पूछ सकते हैं। अब हम सीधा आते हैं डियर स्टूडेंट मध्य बिंदु, विशेष मध्य बिंदु हमें निकालने के लिए एम वन इज टू एम टू, वन इज टू वन, तो ये फॉर्मूला हम उपयोग करेंगे। ठीक है, जब मध्य बिंदु निकालना हो तो मध्य बिंदु के लिए इसको आप मध्य बिंदु निकाल करके आप बताइए मुझे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं बता, एक्स वन और वाई वन है ये, ठीक है, और ये एक्स टू है और ये वाई टू है, तो चलिए इसका मध्य बिंदु मैं ही निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमें एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी एक्स वन और वाई वन कितना हो जाएगा, तो एक्स टू कितना हमारा देखिए माइनस फाइव है। ठीक है, अब यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, एक्स वन हमारा कितना है माइनस थ्री है, तो ये देखिए यहाँ माइनस फाइव अब प्लस माइनस माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस एट ये अपॉन में टू हो जाएगा, ये भी अपॉन में टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एट अपॉन में टू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर, एक हमारा माइनस फोर आया। ठीक है, अब देखिए तो एक हमारा माइनस फोर है, उसके बाद हमारा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन में टू होता है, तो वाई टू देखिए वाई टू हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये एक्स वन है और ये वाई वन है, ठीक है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है, तो वाई टू कितना हमारा सिक्स है, अब प्लस एक्स वन हमारा, एक्स टू कितना है हमारा यानी वाई वन कितना हमारा फोर है, अपॉन में टू हो जाता है, तो सिक्स प्लस फोर टेन अपॉन में टू, तो ये कितना हो जाएगा फाइव, तो ये माइनस फोर, तो आपका कितना आ जाएगा माइनस फोर और फाइव आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं जो कि बेहद ही आसान है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें डियर स्टूडेंट आपको जो है ना करना क्या है, क्रम संख्या है, अंत बिंदु, निर्देशांक और मध्य बिंदु, ये हमें लिखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए इसको निकालने के लिए बेहद ही आसान सा तरीका है। ठीक है, क्रम संख्या है, अंत बिंदु है, एक्स वन निर्देशांक है, वाई वन निर्देशांक है और मध्य बिंदु है, यानी ए यानी ये एक्स वन है और ये वाई वन है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया है, यानी एक्स वन इक्वल टू माइनस थ्री है, वाई एक्स टू इक्वल टू माइनस फाइव है, वाई वन इक्वल टू फोर है और वाई टू इक्वल टू सिक्स है, तो इन दोनों को ये देखिए, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस फोर हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक्स, और उसके बाद ये हमारा जो है ना फोर और सिक्स टेन हो जाएगा, टेन को अगर दो से डिवाइड करेंगे तो फाइव आ जाएगा, तो ये हमारा निकल के आ गया। उसका दूसरा है जो है ना डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये कितना फोर फाइव, तो एक्स वन का फोर है, वाई वन का हमारा फाइव हो गया, एक्स टू का माइनस फोर है, वाई टू का हमारा सेवन हो गया, तो ये जीरो अपॉन में टू, तो यानी जीरो अपॉन में टू, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, ये हमारा ट्वेल्व अपॉन में टू, तो ये कितना हो जाएगा सिक्स आ जाएगा, तो जीरो और सिक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका सी यानी थर्ड है ई, यानी एक्स वन सेवन है, वाई वन हमारा सिक्स है, एक्स टू हमारा माइनस थ्री है, वाई टू हमारा फोर है, तो ये फोर अपॉन में यानी हम इन दोनों को जोड़ दिए, ऐड कर दिए हैं। ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन अपन में टू होता है। ठीक है, तो देखिए यानी एक्स टू अपन में एक्स वन नहीं होता, यहाँ देखिए ये जो फार्मूला अभी हमने बताया था आपको, इसी फार्मूले पे होता है। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए जो सेवन है, तो सेवन हमारा क्या है, सेवन हमारा अगर इसमें कहें तो सेवन हमारा एक्स वन है। ठीक है, ठीक है, सेवन, और ये एक्स टू कितना है, अब प्लस एक्स टू होता है। ठीक है, अपन में
एक्स वन प्लस एक्स टू अपन में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे हम इसको बिठा रहे हैं, ठीक है, ये बाई वन प्लस बाई टू अपन में 2 हो जाएगा। तो इस साइड में हम इस फॉर्मूले पे का हेल्प लेकर के हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 2 और 5 आ जाएगा। अब फोर्थ में देखेंगे इसमें, यानी हमारा x1 का 2 है, y1 का माइनस 5 है, x2 का 4 है, y2 का 9 है। तो ये 6 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी कट के, ठीक है। ये माइनस 4 और माइनस 5 प्लस 9, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 5, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में जो है ना, सॉरी 5 यानी माइनस, हाँ 4 हो जाएगा अपॉन में 2। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यही हमने 2 लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस वन और सेवन और फोर और माइनस थ्री को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के रेशियो में विभाजित करती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या क्या माना कि ए इक्वल टू हमारा इतना है, बी इक्वल टू इतना है, और m1 इंटू m2 इक्वल टू 2:3 है, यानी दो अनुपात 3 है। तो देखिए हमने अभी अभी विभाजन सूत्र पर है, विभाजन सूत्र m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपन में m1 प्लस m2, और ये हम m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपन में m1 प्लस m2 है, ठीक है। तो ये दूरी सूत्र पे हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए यहाँ ये जो है ना ये x1 है, यानी यहाँ पे मैं बता दूँ x1 इक्वल टू माइनस वन है और y1 इक्वल टू क्या है 7 है, ठीक है। इसमें हम बता दें x2 इक्वल टू कितना है हमारा 4 है और y2 इक्वल टू कितना है हमारा माइनस 3 है। तो ये फार्मूला, ये हम इसी फार्मूले पे m1 और m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू 3 है, तो इसी फार्मूले पे हम इसे पुट करेंगे। तो बेहद ही आसान है डियर स्टूडेंट। तो देखिए ये हमें एक्स वाई निकालना है, तो 2 × 4, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3, तो ये उसके बाद ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 × 3 = 21 हो जाएगा। अब इसको जब आप करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 8 में से 3 गया तो 5/5 हो जाएगा, तो ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 15/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा जो आंसर होने वाला है 1 और 3 आंसर हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड करेंगे डियर स्टूडेंट, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु −3, −10 और −6 और −10 को बिंदु −6 और −1 और −6 के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो ये बेहद ही आसान है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड ये है, यही है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हमारा, ये m1 m2 ये देखिए ये x1 है −3 और y1 है 10 है, x2 है 6 और y2 है −8 है, ठीक है। और यहाँ पे p जो, तो यहाँ पे हमने जो है ना देखिए p है, तो p हमारा जो है ना ये देखिए यहाँ पे इसमें जो p है, यानी कि हम इसको जो है ना मान लिए डियर स्टूडेंट p है, तो ये p जो हमारा दिया हुआ है कितना −1 और −6 जो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो फिर हमें विभाजन सूत्र निकालना है, ठीक है। तो x की जगह एक बार हम −1 रखेंगे, ठीक है, और y की जगह 6 रखेंगे और विभाजन सूत्र लगा देंगे, तो m1 into x2 plus y2 into x1 m1 plus m2। तो इसमें जब हमारा जो फार्मूला आएगा डियर स्टूडेंट, ये m1 into x6 plus m2 into −3 अपॉन में m1 plus m2, तो ये −m1 into m2 इक्वल टू 6m1 −3m2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका जब हम करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो −m2 +3m2 और 6m1 +m1, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये वाले जो है ना, यानी हम नहीं सॉरी ये हम m2 यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये m1 जो है ना, ये m1 हम यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। अब देखिए तो 2m1 m2 और इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी m1 है, ये m1 है, ठीक है। तो 7m1 हो जाएगा, m1 और 2 अपन में m1, तो 7 अपन में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ना अनुपात जो है ना 7:2 हो जाएगा। आप डियर स्टूडेंट मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वक्त में।